वाह अखिल बेटा वाह, ये तो मेंशन करना ही पड़ेगा कि क्या मेंशन है, क्या माल है, कमाल की जगह है। बहुत खर्चा हुआ है ना? क्या? अरे एंटीक पंखा भी है। ये मेल है कि फीमेल? मेल फीमेल। अब मेरा मतलब बजाज का है कि उषा का? बहरहाल इस घर के मालिक यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर अपनी पसंदीदा जगह स्नो व्हाइट एरिना गए, क्योंकि वहीं पे बर्फ गिरती है ना। अच्छा अच्छा। वैसे क्या लेंगे आप? पीऊंगा वो भी नीट। पानी तो लेते हैं? अरे नहीं नहीं, बेटी का ससुराल है, पानी पीना हराम है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता इस घर के वारिस से जोड़ना चाहूंगा। इस घर के वारिस? जी। आपकी बेटी के साथ? जी। अरे वो तो एंटर। हाँ, एंटर हो चुका है इसके दिल में। लाहौल मिला कुमार। अरे वो तो जान वो वही जान वारते हैं एक दूसरे पर। अरे तू भी तो कुछ बोल, कितना भोगती है सीरियल में। ये भोगती है? हाँ, कुछ तो कर। रेडी? अब देखिए एक्शन। अंक बालाजी की कसम, हम दो जिसमें एक जान है। क्या बात है? उन्हीं से मेरा सवेरा, मेरी हर एक शाम है। बहुत अच्छा। उन्हीं के चरणों में दम 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 मेरे चारों धाम। क्या बात है? उनके भी चार पैर हैं, मगर ये कैसे मुमकिन है? तू भोगी? मैं नहीं, शायद वहां से। देखा किस तरह लैला मजनू की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। अंकल यह सर लव एट फर्स्ट साइट का है। मसलन लव एट फर्स्ट बाइट का है। ठीक है ठीक है भाई, हो गया हो गया। ओके आओ भाई आओ, अपने होने वाले ससुर जी के पैर छुलो। आओ आओ आओ, अपने होने वाले ससुर के पैर छुलो। आओ जमाई बाबू। अरे मैं खड़े क्यों? आओ। क्या क्या है? क्या क्या नहीं, ये क्या है? आपका जमाई है जी। तीन 3000 करोड़ का मालिक पन्नलाल जौहरी का इकलौता वारिस एंटरटेनमेंट। मतलब पन्नलाल जौहरी ने 3000 करोड़ रुपए इस कुत्ते के नाम करके मर गया। हाँ। मुझे हाँ। मुझे एक और मौका दीजिए, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। एक मौका दीजिए, मैं अमीर बन जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरा वक्त बदल जाएगा। तेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा, बैठो अंदर। कंगाल का कंगाल ही रहेगा। पन्नालाल जौहरी का बेटा होकर क्या फायदा? तू डिसअपॉइंटमेंट निकला और जायदाद का असली वारिस वो कुत्ता एंटरटेनमेंट निकला। हट। अंकल जी मेरी बात सुनिए। अखिल लोखंडे तू साक्षी को हमेशा के लिए भूल जा। खुदा से ये तूने क्या किया? जो तोहफा दिया था वो क्यों है ले लिया?
रुपए का मालिक एक कुत्ता। स्टॉप द कार। क्या हुआ बेटी? तुम ही ये मानती हो ना कि शादी के बाद हर आदमी कुत्ता बन जाता है? मेरा तो ये कहना है कि तुम कुत्ते से ही शादी कर लो। पापा!